काफ़ी ऊपर है, हमारी बाइक जो हाँफ गई है क्योंकि 70 है और हम दो बंदे बैठे हुए हैं, तो हमने फैसला किया कि थोड़ा सा बाइक को रेस्ट दिया जाए। ओह बहुत हाइट है भाई, सांस भी बहुत फूल रहा है। हम बैठे उसके फ्रेश चेरीज फ्रॉम द फ्रेश गार्डन। फ्रेश गार्डन, फ्रेश गार्डन। सरसरंगा वाइट डेजर्ट से हम मायूस होकर वापस आने लगे क्योंकि वहाँ पर पैराग्लाइडिंग मना कर दी गई है। तो हमने रास्ते में हुसैनाबाद आबशार का एक बोट देखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस हसीन हुसैनाबाद आबशार को एक्सप्लोर किया जाए। काफ़ी ऊपर है, हमारी बाइक जो हाँफ गई है क्योंकि 70 है और हम दो बंदे बैठे हुए हैं, तो हमने फैसला किया कि थोड़ा सा बाइक को रेस्ट दिया जाए। ये देखिए जी, हम आ गए हैं। ओए होए वायरस आ गया। यार तो है यार, फोटो चला दिस इज हुसैनाबाद वाटरफॉल। ये आबशार जब आप शिगर से स्कर्दू की तरफ आ रहे होते हैं तो थोरगू के बाद एक मुकाम आता है हुसैनाबाद, तो वहाँ पर ये आबशार मौजूद है। ये मुकाम इस कदर खूबसूरत और पुरसकून है कि आपका दिल चाहेगा कि आप यहाँ से कभी भी ना जाएं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर गर्मियों में आएँ और यहाँ का मौसम और आबशार इंजॉय करें। Fresh cherries from the fresh garden. Fresh garden. Fresh garden. It's beyond expectation. So yummy. So tasty. And it's a 500 kg, very economical. 300. 200 the wanderer is eating.